बीते 11 अक्टूबर को राम जानकी मंदिर के पुजारी पर हुए गोलीकांड का खुलासा आज पुलिस ने कर दिया। एसपी गुंडा ने बताया कि जमीन हथियाने के लिए मंदिर के दोनों पुजारियों ने खुद साजिश रची थी। शूटर हायर कर मंदिर के पुजारी सीताराम दास और सम्राट दास ने खुद पर गोली चलपाई और विपक्षी को फंसाने की साजिश रची। गुंडा एसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि शूटर प्लानर और दोनों पुजारियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दो अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद किया गया है। 11 अक्टूबर को हुए चर्चित गोलीकांड में दोनों पुजारियों की तहरीर पर विपक्षी अमर सिंह समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साजिशकर्ताओं और शूटर को मीडिया के सामने पेश करेंगे। एसपी शैलेश पांडे ने बताया कि दोनों पुजारी गांव के प्रधान ने मिलकर इस पूरे गोलीकांड की साजिश रची। दोनों पुजारी जहां विवाद जमीन को पाना चाहते थे, वहीं प्रधान को आगामी पंचायत चुनाव में विपक्षी के फंसने पर आसानी से दोबारा प्रधान पद की लालसा थी। पुलिस ने षड्यंत्र में शामिल सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। अब पुलिस साजिश का पर्दाफाश होने पर बेकसूर लोगों पर मुकदमा दर्ज वापस लेगी। ग्यारह अक्टूबर को जो यहाँ पे एक साधु को गोली लगने की मामला थी, उसका सफल अनावरण किया गया है और इसमें मुख्य साजिशकर्ता सीताराम दास और उस गांव का प्रधान विनय सिंह के साथ साथ कुल सात लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें एक अभियुक्त जो सम्राट दास है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे गोली लगी थी, और एक अभियुक्त सूरत फरार। इसमें इन्होंने गलत नामजदगी कराई थी दूसरे को फंसाने के लिए, जमीनी विवाद और प्रधानी का चुनाव जो था इसके उद्देश्य से फंसाने के लिए गलत नामजदगी की गई थी। इसमें असलहा जो प्रधान के दोनों बेटे हैं नीरज और सूरज, उन्होंने सप्लाई किया था। गोली पुजारी को मुन्ना ने मारी थी और उसके साथ सोनू भी असलहे के साथ वहाँ गया था, और इस तरह एक पूरी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया। और जैसा मैंने बताया, सात लोग गिरफ्तार हैं, एक पे हमारी निगरानी है क्योंकि वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है जो चोटिल है, और एक फरार है, जल्दी हम उसको गिरफ्तार करें।